लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। रमजान ईद के मौके पर शिवसेना के तुर्बे विभाग प्रमुख तैयब पटेल ने नई मुंबई के कई इलाकों में सीर खुरमा का वितरण किया। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के हाथों मुंबई में इसकी प्रतीकात्मक शुरुआत करने के बाद आज नई मुंबई के तुर्बे हनुमान नगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले 1000 से अधिक मुस्लिम परिवारों को यह सीर खुरमा की मदद बांटी गई। इस अवसर पर उपनेता विजय नाहटा ने विभाग प्रमुख तैयब पटेल के जनसेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने मुस्लिम बांधवों को रमजान ईद की बधाई देते हुए कोरोना से सावधान रहने की भी अपील की। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच आई रमजान ईद कई मुस्लिम परिवारों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हालांकि इस आर्थिक तंगी में तुर्बे के शिवसेना विभाग प्रमुख तैयब पटेल की एक पहल ने कई परिवारों में खुशियां लौटा दी हैं। आज तैयब पटेल ने तुर्बे हनुमान नगर इंदिरा नगर क्षेत्र के 1000 मुस्लिम परिवारों को ईद की सौगात के तौर पर सीर खुरमा का पैकेट वितरित किया। इस मदद की शुरुआत खुद शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के हाथों कई परिवारों को सौगात देकर की गई थी। इस अवसर पर विजय नाहटा ने विभाग प्रमुख तैयब पटेल के जनसेवी कार्यों की सराहना की और विश्वास जताया कि इससे उन परिवारों की भी अच्छी ईद मनेगी जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। तैयब पटेल आमचे तुर्बेतले विभाग प्रमुख आहेत आणि हनुमान नगरमध्ये विशेषतः किंवा तुर्बे परिसरामध्ये सातत्यानं कार्यक्रम घेण्याचा त्यांना छंद आहे। तर ते हाडाचे शिवसैनिक आहेत आणि सारखं लोकांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे मदत करत राहणं हा त्यांचा स्वभाव झालेला आहे आणि त्याचा खूप आग्रह होता। म्हणून त्यांनी आज जवळजवळ मला वाटतं 1001 लोकांना शिरखुरमा जो आहे आपण ईदसाठी बनवणार आहोत त्याचं किट तयार केलं छानपैकी। त्याच्यामध्ये काजू आहे, बदाम आहे, खारीक आहे, तूप आहे, साखर आहे, शेवाय आहे, सगळ्या वस्तू त्याच्यामध्ये आहेत आणि आज त्या वस्तूचं किट बनवून सगळ्या मुस्लिम बांधवांना देण्याचा कार्यक्रम त्याचा एक प्रतिकात्मक कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी ठेवला। त्याच्याबद्दल त्याचे आणि आलेले सगळे जे माझे मुस्लिम बांधव आहे यांचे मी मनापासून आभार मानतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। तय्यब आणि त्यांचे सगळे सहकारी ज्यांनी हे सगळं ऑर्गनाईज केलं त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। बताना जरूरी है कि मुंबई के तुर्बे स्टोर्स इंदिरानगर जैसे कई इलाके मुस्लिम बहुल हैं। अधिकांश लोग मजदूर और छोटे कारोबारी हैं। लॉकडाउन के कारण ऐसे लोगों के सामने ईद मनाने की चुनौती है। विभाग प्रमुख तैयब पटेल की यह मदद उनके लिए राहत बन रही है। तैयब पटेल ने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी समझकर ऐसी पहल कर रहे हैं ताकि कोई भी ईद मनाने से वंचित न रहे। वहीं नागरिकों ने भी युवा समाज सेवी के प्रति आभार जताया। महाराष्ट्रामध्ये महामारीचं सुरू असता कारणाने तर आम्ही आमच्या हनुमाननगर, आंबेडकर नगर, गणेशनगर येथे आम्ही सगळ्या मुस्लिम बांधवांच्या घरोघरी किट वाटपचा कार्यक्रम केलेला आहे। मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही खबरदारी घ्या, जबाबदारी आम्ही घेतो, त्याचप्रमाणे आम्ही लोकांपर्यंत पोचून ह्या किट वाटपचा कार्यक्रम संपवलेला आहे। आज लोकांकडे कामधंदा नाही आहे, रोजगार नाही आहे आणि बेहाल त्यांचं होत आहे, त्या कारणाने त्यांना खरेदीसाठी पैसा नसल्या कारणाने आम्ही हा उपक्रम राबवलेला आहे। तसेच आमचे उपनेते विजयजी नाटा साहेब, तसेच जिल्हाप्रमुख विठ्ठलजी मोरे साहेब, उपजिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील साहेब, तसेच आमचे लाडके नगरसेवक म्हणून सुरेश कुलकर्णी साहेब,
त्यांच्या माध्यमातून आम्ही लोकांनी हे कार्यक्रम राबवलेले आहे. आज आम्ही या सगळ्या मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा देऊन एक नम्र विनंती करत आहे की तुम्ही घरात राहा आणि घरात राहून सण साजरा करा. हर गरीब को सहारा देते हैं, हर किसी के सुख दुख में आधी रात को फोन लगाओ भाग के आ जाते हैं, किसी का दवा खाने का कुछ होता है पैसे को मदद करते हैं, हर साल लॉकडाउन में हर चीज़ बांटते हैं. हर कोई भी गरीब का हमदर्द है, वो हर किसी की परेशानी में भी काम आते हैं. आधी रात को तुम बोलो, कहीं भी बुलाओ, दवा खाने में बुलाओ, भाग के आ जाते हैं. लेकिन तैयब भाई बिना कुछ होते हुए भी हर किसी गरीब को मदद करते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया.